सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधुर के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, हो रही हूँ स्कूल के लिए रेडी, और पूरे दिन क्या करना है वो करेंगे आपके साथ शेयर। अभी बन रही है चाय, क्योंकि आपकी और मेरी मुलाकात चाय के साथ ही होती है जब मुझे स्कूल जाना होता है, और जब स्कूल नहीं जाना होता है तो फिर कहीं पर भी कहीं से भी शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिला के दिवाली बहुत नज़दीक आ रही है, काम तेजी से चल रहा है, साफ सफाई जितनी कर रहे हैं ना, उसके बाद उसको पलट के देख रहे हैं तो फिर वहीं का वहीं दिख रहा है कि ये नहीं, अभी साफ नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ पार्ट में सफाई करते हैं, तो वहाँ साफ करते हैं तो वहाँ गंदा हो जाता है, वहाँ साफ करते हैं तो वहाँ गंदा हो जाता है, इसीलिए हम लोगों की सफाई जो है लास्ट टाइम तक ऐसी रहती है। मतलब हो जाती है लेकिन हमें लगता नहीं है कि मतलब हो रही है, फिर इसे भी साफ कर लो, इसे भी साफ कर लो, इसे भी साफ कर लो, ये सब चलता ही रहता है। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा जरूर, और सब अच्छे से रहिए, त्यौहार अच्छे से मनाइए, सबके घरों में अच्छे अच्छे से सेलिब्रेट हो दिवाली का त्यौहार। हम लोगों के लिए दिवाली का त्यौहार कितना अहमियत रखता है, कितना मतलब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो है, खुशी का दिन होता है, तो सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा यही है। और देखिए अभी मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा हो गया है आजकल, मुझे भी स्टॉल लेने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि कानों में लगती है हवा। अगर स्टॉल नहीं लेती हूँ क्योंकि रिक्शे में जाती हूँ ना, तो तेजी से हवा लगती है और कानों में फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अरे वही सारी सारी बॉडी प्रॉब्लम वाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ बची हुई हो। और जो है यहाँ पर हो गई है मेरी चाय भी तैयार, और बस आपसे करती रहती हूँ बीच बीच में बातें। और आज हमारे इधर एक डेथ भी हो गई है, अम्मा जी थी, तो मतलब अभी पता लगा मुझे, तो सुबह जब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी कि वो चली गई है, तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। और रुकना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो अभी 11-12 बजे तक उनको समय लग जाएगा, तो तब तक मैं आ जाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो घर में सभी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही चल रहा है हमारा, और बाकी मिलते रहते हैं बीच बीच में कैसे चलता है पूरा दिन, क्योंकि पूरा दिन भागा दौड़ी का होता है। घर में आने के बाद भी वही रहता है हमारा कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, इसे भी निपटा लो, इसे भी निपटा लो, तो पूरे पूरे दिन इसी तरीके से बीत रहा है। तो कुल मिलाकर सभी के साथ ऐसा ही है, मेरे साथ ही ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अपना बताना है इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। और अभी मैं पीती हूँ चाय, एक थोड़ा सा कर लेती हूँ हल्का फुल्का सारा नाश्ता, क्योंकि दवाइयाँ खानी है, और बिना दवाइयों के फिर मेरा तो सब कुछ ही बेकार है एक तरीके से, क्योंकि बिना दवाइयों के मेरा जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो बस अब बेटा अपने आप से चाय पी ले, बना के पी लेगा, क्योंकि उसने अभी वो उठा नहीं है। तो बस मैं चलती हूँ स्कूल के लिए, पी लेती हूँ चाय, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए गर्मा गर्म। भगवान करे कभी ऐसा दिन आए कि हम सब लोग साथ बैठकर चाय पिए, कोई ऐसी महफिल भी हो। कोई कहते हैं ना कि स्कूल वगैरह में पार्टी होती है तो सभी लोग मिलते हैं, ये होता है कि हम लोगों का कैसे हो गया यार, हम लोग फ्रेंड बन चुके हैं, इतने घने स्टूडेंट हो गए कि एक दिन भी अगर एक दूसरे को नहीं देखते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। किसी तरीके से भी कहीं भी बैठे हो ना, किसी भी परिस्थिति में बैठे हो, तो फोन निकाल कर देखने की आदत बहुत बुरी पड़ गई है कि आज उसने क्या डाला है, आज उसने क्या डाला है तो बस यही रहता है। और जिसकी बहुत अच्छे से व्यू आते हैं, बहुत अच्छा था तो ये लगता है यार वाकई में बहुत मेहनत हो रही है, फिर हम लोग भी ऐसे ही करने का प्रयास करते हैं। खासतौर से मैं तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं उस रेस में हुई नहीं, क्योंकि कुकिंग का चैनल बहुत अच्छा होता है, मेरी कई फ्रेंड्स हैं उनके कुकिंग के चैनल बहुत ही टॉप में चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो यही मुद्दा होता है कि मैं एक रोटी भी अपना टाइम से बना लूँ वही बहुत है, तो मैं क्या बनाऊँगी, मैं कैसे किसी की होड़ करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ इसी तरीके से व्लॉग में बने रहिएगा और मेरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मुझे मत छोड़िएगा। बातें बहुत हो गई हैं तो मिलते हैं कल। भी है टाइम, मैं गई नहीं हूँ, थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास बचा हुआ है, तो मैंने कहा चलो एक बार दिखाती हूँ आपको अपने घर का व्यू।
और आज हमारे घर कोई आया है, आपसे भी उसको मिलवाती हूँ। तो ये है हमारी देवरानी की मम्मी जी। हाय बोलो। तो इन्हीं से मिलवाना था तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो और बना लिया, क्योंकि ये चली जाएंगी, आज रहोगे ही यार। तो जब तक मैं स्कूल से आऊंगी तब तक ये चली जाएंगी, तो मैंने कहा चलो आपसे मिलवा देती हूँ। अभी सो के उठी थी तो मैंने कहा चलो पकड़ लेती हूँ जल्दी से। हाँ नहीं तो ओके बाय बाय, मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। फ्रेंड्स आ गई हूँ घर और बनाया है खाना। तो सब्जी रखी हुई थी रात की, बस थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पर मूली का सलाद है, खीरे का सलाद है और गर्मा गर्म चपाती है। तो आज ही ये फटाफट से आप लोग भी खाने के लिए, लंच हो गया है तैयार। और फिर करते हैं खाने के बाद थोड़ी सी देर आराम, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो ये देखिए शाम के टाइम हम हैं छत में अपनी, और छत में से मैं आज आपको ये लौकी, गोल लौकी है जो इसकी बेल दिखा रही हूँ। तो देखिए छोटी छोटी लौकियाँ लगी हुई हैं, ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखाई देंगी। ये देखिए यहाँ पर देखिए गोल गोल लौकी लगी हुई, जो बहुत मुझे अच्छी लगती है। इस तरीके से पेड़ पे लगी हुई चीज़ें खाने में पसंद हो या ना हो, तो देखिए ये जो बेल है तारों पर लिपटती हुई आगे बढ़ती जा रही है, और इसमें बहुत सारी मतलब लौकियाँ लगी हुई हैं। तो ये देखिए जो कुछ बड़ी है ना वो तो आपको दिख सकती है, छोटी छोटी भी लग रही है इतनी सारी। और ये देखिए ये पत्तों के बीच में छुपी हुई है, ये देखिए यहाँ पर भी है, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने जूम किया तो ये देखिए लौकियाँ कैसे पत्तों में छुपी हुई है। तो पहले तो मेरे बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर लौकियाँ हैं, लेकिन जब क्योंकि पत्तों में दिखाई नहीं दे रही थी ना, वो बिल्कुल पत्तों के जैसी थी, तो जब फोकस किया तो तब दिखाई दे रही थी। और सामने ही खड़ी थी हमारी पड़ोसन, तो ये देखिए तो जब उन्हें लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो मुझे चिढ़ाने लगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं ऐसे यूट्यूब में डालने वाली हूँ। तो नीचे से उनकी जेठानी ने बोला कि ये मैं, नहीं मैंने ही बोला था शायद कि जो है कि ये यूट्यूब पे डाल दूंगी तुम्हारा इसी तरीके से मुंह बनाया हुआ। और ये नीचे उनकी जेठानियाँ हैं, और ये देखिए उन्होंने फिर जो है फिर बहुत अच्छे से मुझे अपनी स्नैप दी। तो देखिए बहुत अच्छे से खड़ी हैं, ये देखिए अब लगा कि हाँ कि मुझे फ़ोटो कहीं डालनी है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने कहा चलो आज आपको दिखाती हूँ छत पे से व्यू कि किस तरीके से हमारी कॉलोनी का व्यू लगता है। और ये ख़ास तौर से इस बेल के लिए मैं ऊपर आई थी, और ये देखिए बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इस तरीके से ना, किसी कोई भी चीज़ों की इस तरीके से हो तो बहुत ही मुझे लगी हुई बहुत ही पसंद, मतलब मेरे मन को भाती हैं ये, मुझे नहीं जानती। ये देखिए पूरी कॉलोनी का व्यू, तारों के तार ना ये अंडरग्राउंड हो जाए तो सब कितना बढ़िया हो। तो यहीं करते हैं आज की वीडियो का अंत, मिलते हैं कल एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ में। ओके बाय बाय।